तो गाइस आज का ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी जैसा कि कॉडी रोड्स अपना अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बहुत जल्दी हारने वाले हैं। लाइक आप गाइस ऐसा समझो कि जैसे मेरिया 41 के पहले ही कॉडी रोड्स अपना चैंपियनशिप हारने वाले हैं, उसके बाद क्या होगा, आखिरकार कॉडी रोड्स के बाद कौन हमारा न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनने वाला है। तो गाइस इसी को लेके बहुत बड़ी न्यूज आई है, क्या कुछ है, चलिए देखते हैं आज के वीडियो में इन डिटेल। तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने इस वक्त का समर स्लैम देख ही लिया कि इस वक्त समर स्लैम में कॉडी रोड्स ने अपना अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप सोलो शिकवा के अगेंस्ट फाइनली रिटेन कर लिया था। और तो और आगे बैश इन बर्लिन में भी कॉडी रोड्स का मैच केविन ओवेंस के साथ होने वाला है। तो गाइस ये कंफर्म है कि कॉडी रोड्स फिर से अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। वैसे भी गाइस मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कॉडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस के मैच में, क्योंकि रिजल्ट पहले से ही पता है कि डेफिनेटली कॉडी रोड्स ही जीतने वाले हैं केविन ओवेंस को हरा। फिलहाल तो ये न्यूज आ रही है कि रैंडी ऑर्टन बन सकते हैं हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। यानी कि गाइस आप लोग ऐसा समझो कि रैंडी ऑर्टन के अलावा और दो सुपरस्टार है जो बन सकते हैं हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि बैश इन बर्लिन प्रीमियम लाइव इवेंट में गुंथर अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं, वो भी रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट। इसमें भी रैंडी ऑर्टन हारेंगे। और तो और फैंस भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का हमें कभी मैच भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो हमारे फैंस एक ही चीज का वेट कर रहे थे कि कब हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस कॉडी रोड्स का ड्रीम मैच देखने को मिले। तो गाइस मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये कंफर्म है कि आपको इन दोनों का बहुत जल्दी मैच देखने को मिलने वाला है। कॉडी रोड्स के अगेंस्ट जब रैंडी ऑर्टन हील कर लेंगे तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबको शॉक हो जाएंगे ये मूवमेंट देखकर। आप सबको भी ये बात काफी अच्छे से पता है कि रैंडी ऑर्टन को फैंस हील कैरेक्टर में काफी ज्यादा पसंद किया करते हैं। तो इसी को लेके अभी ये बताया जा रहा है कि हो सकता है हमें फ्यूचर में रैंडी ऑर्टन नए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बोल रही हूँ ना, रेसलमेनिया 41 के पहले ही कॉडी रोड्स अपना चैंपियनशिप हारने वाले डेफिनेटली। अगर मैं आपको दूसरे सुपरस्टार के बारे में बोलूं तो अभी फिलहाल दी रॉक का भी नाम आ रहा है कि दी रॉक हमारे न्यू चैंपियन बन सकते हैं। और आप लोग तो दी रॉक वर्सेस कॉडी का राइवलरी जानते ही हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब रेसलमेनिया खत्म हुआ था उसके बाद ही जो पहला रॉक का एपिसोड हुआ था उसमें दी रॉक ये बोलते हुए नजर आए थे कि वो बहुत जल्दी कॉडी रोड से बदला लेने वाले हैं और उसके बाद से ही हमें दी रॉक देखने को मिले ही नहीं। तो गाइस ये बात भी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि दी रॉक और कॉडी के बीच एक 1-on-1 मैच होने वाला है डेफिनेटली, और वो भी ये मैच रेसलमेनिया 41 में होगा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। और गाइस इस मैच का अगर मैं रिजल्ट बताऊं तो द ग्रेट वन इजीली जीत जाएंगे कॉडी रोड्स को हरा कर और न्यू चैंपियन बन जाएंगे। और तो और नंबर लास्ट सुपरस्टार के बारे में बोलूं तो एक बार फिर से हमारे रोमन रिंग्स अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बन सकते हैं। जी हां गाइस आपने सही सुना है कि रोमन रिंग्स ही चैंपियन बनेंगे फ्यूचर में। यार काफी कंफ्यूजिंग हो चुका है कि किसका मैच होगा किसका नहीं, बट रोमन और रॉक का भी मैच को लेके अभी उतना ही हाइप है जितना रॉक और कॉडी का है। और तो और काफी न्यूज रिपोर्टर्स ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि फाइनली हमारे रोमन रिंग्स एक बार फिर से चैंपियन बन जाएंगे। वैसे भी गाइस आप लोग रोमन रिंग्स को जानते हैं, वो प्रीवियस 4 ईयर से कितना अच्छा काम कर रहे हैं WWE में। लास्ट टाइम वो जब चैंपियन रहे थे तो वो 1316 दिन तक रहे थे। तो गाइस अब देखते हैं रोमन रिंग्स का फ्यूचर क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है कि रोमन रिंग्स के हाथों बहुत जल्दी चैंपियनशिप आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो शायद आपको 2024 में नहीं दिखने वाले हैं। गाइस एकदम 0% चांसेस है कि ये सुपरस्टार अपना फाइनली रिटर्न करेंगे इसी ईयर। तो नंबर फर्स्ट सुपरस्टार के बारे में बोलूं तो वो है ब्रॉक लेसनर। तो गाइस इनका आना डेफिनेटली ना के बराबर है क्योंकि आपको ब्रॉक लेसनर दिखने ही नहीं वाले। शायद आप लोग भी जानते हो कि ब्रॉक लेसनर ने क्या क्या कांड किया है WWE में, इसी के वजह से उन्हें एक्शन से दूर रखा गया है। उन्होंने अपना लास्ट मैच SummerSlam 2023 में फाइट किया था, उसके बाद एक बार भी ब्रॉक लेसनर नहीं दिखाई दिए। और तो और कई बार ऐसा बताया गया है कि ब्रॉक लेसनर बहुत जल्दी रिटर्न करने वाले, बट गाइस अगर मैं आपको ट्रूथ बताऊं ब्रॉक लेसनर का आना भी काफी डिफिकल्ट है। लाइक आप ऐसा बोल सकते हो एकदम 10% चांसेस है कि ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करेंगे। बहुत सारे रिपोर्टर्स ने ये भी कहा है कि WWE करंट टाइम में वार्निंग दे दी है ब्रॉक लेसनर को कि तुम दूर रहो WWE से। ऐसा लग रहा है कि जब तक ब्रॉक लेसनर विंस मैकमैन का पूरा जो कांड है क्लियर नहीं हो जाता तब शायद आपको कभी भी ब्रॉक लेसनर नहीं दिखने वाले। और यही गाइस रियलिटी, आप मानो या ना मानो। फिलहाल तो अभी किसी के हाथ में ब्रॉक लेसनर को लाना तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल एच के हाथ में। अब देखते वो क्या प्लानिंग करते हैं ब्रॉक लेसनर को लेकर। सेकंड सुपरस्टार के बारे में बोलूं तो वो है जॉन सीना। तो गाइस आपको जॉन सीना डायरेक्ट 2025 में ही दिखने वाले, जैसा कि जॉन सीना ने रिटायरमेंट अपना अनाउंसमेंट कर दिया है। वो भी जॉन सीना मनी इन द बैंक 2024 में आए थे और ये अनाउंसमेंट किए थे कि वो रिटायरमेंट लेने वाले।
वाले हैं। आप लोग भी इसी को लेके उम्मीद लगा सकते हो कि आपको डायरेक्ट अब जॉन सीना 2025 में ही दिखने वाले हैं। वैसे भी फिलहाल तो WWE में दो ही इवेंट बचा हुआ है, एक तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम, उसके अलावा कोई भी बड़ा इवेंट नहीं बचा है WWE का। नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है बड़ा इवेंट, इसी के वजह से जॉन सीना आप फाइनली आपको 2025 में ही दिखने वाले हैं, वो भी रेसलमेनिया में। और आज का लास्ट सुपरस्टार के बारे में बोलूं तो द रॉक है, द रॉक भी आपको डेफिनेटली नहीं दिखेंगे इसलिए 2024 में। और गाइस आप लोग ये देखे ही होंगे कि द रॉक को सब कोई फाइनल बॉस के कैरेक्टर में जानता है और उन्हें पसंद भी करता है। फिलहाल तो द रॉक का ध्यान है कि वो हॉलीवुड में और भी ज्यादा मूवी करे, उनका कोई प्लान नहीं है कि वो फिर से WWE में आए, वो भी 2024। और गाइस जिस तरह से अभी ब्लडलाइन की स्टोरी चल रही है वैसे ही धीरे धीरे चलती रहेगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरे ये कंटेंट लाइक थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।